अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर जोन ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ऑडियो को क्लीन करने के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पीछे कोई नॉइस आ रही है तो आपने उसको कैसे क्लीन करना है, आज मैं आपको ए टू जेड का जो भी आपके पीछे कोई नॉइस आ रही है या आपकी ऑडियो गंदी आ रही है, मैं आपको सब कुछ आज बताऊँगा आपने कैसे उसको क्लीन करना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ऑडियो को क्लीन करना चाहते हैं तो अपनी जो ऑडियंस है उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर तक लास्ट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, जो लास्ट टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो मिस कर दी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बल्कि इसमें जो भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा सब ही बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपने उनमें से एक भी किसी को मिस कर दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप बिल्कुल ही आप जो मर्ज़ी कर ले आपकी ऑडियो गंदी आएगी। तो दोस्तों, ये वक्त को ज़ाया किए बगैर हम आते अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी अच्छे को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, जो हमारी टिप नंबर वन है वो ये है, यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट में आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट डू नथिंग पर होता है, आपने यहाँ से इसको अनचेक करके यहाँ पर चेक कर देना है, ये जो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आपने इस पर इसको चेक कर देना है और यहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों, इसको ओके करने के बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है, आपने कभी भी जो आपने सस्ता वाला, आप कहते हैं कि ये माइक सस्ता है ये महंगा है, आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मतलब कि बाहर से आया है आपने वो खरीदना है, भला ही वो मतलब कि पुराना हो या सस्ता हो, जैसा मर्जी हो आपने वो लेना है जो कि बाहर से आया इंपॉर्टेंट वो जो है आपने वो लेना है, उससे आपकी क्लीन ऑडियो होती है और आपकी वॉइस बहुत अच्छी आती है, जैसे आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों, जो हमारा स्टेप नंबर थ्री है वो ये है, आपके पीछे अगर कोई भी आवाज़ आ रही है आपने उसको कैसे हटाना है। तो दोस्तों, उसको हटाने के लिए आपके पास जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आपने उसको ओपन कर लेना है, जैसा कि मेरे पास वंडरशेप फिल्मोरा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद पहले तो मेरे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, मैं सबसे पहले यहाँ पर फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ से ये गेम की फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको इंपोर्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको टाइमलाइन में लाने के दो तरीके हैं, पहला ये आपको यहाँ पर प्लस का आइकन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसको टाइमलाइन में ला सकते हैं, और दूसरा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टाइमलाइन में ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको टाइमलाइन में लेकर आ चुका हूँ, अब ये आपसे पूछता है आप इसको कितने पिक्सल में इसमें लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग स्क्रीन है वो थोड़े से कम पिक्सल की है, और जो अब ये कह रहा है आप इतने पिक्सल करना चाहते हैं तो मैं इसको ज़्यादा पिक्सल कर देता हूँ, जिससे कि ये बहुत ही क्लियर आएगी। तो दोस्तों, इसको मैं 920 पिक्सल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसको ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी गेम जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों, इसको लाने के बाद यहाँ पर अब मैं इस पर दो बार क्लिक करता हूँ। दोस्तों, इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो पर बाय डिफॉल्ट चेक होगा, आपने यहाँ से इसको ऑडियो में लाना है। तो दोस्तों, ऑडियो में लाने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड नॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपके पीछे थोड़ी सी नॉइस है तो आपने इसको वीक कर देना है, अगर आपके पीछे ज़्यादा नॉइस है तो आपने इसको मिड कर देना है, अगर आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा ही नॉइस है आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नॉइस नहीं होती इसलिए मैं इसको वीक कर देता हूँ, ताकि कोई भी किसी तरह की भी नॉइस हो जो कि मुझे पता भी नहीं लगा हो तो वो भी क्या डिलीट हो जाए, मतलब कि उसकी आवाज़ नहीं आए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसको ओके करने के बाद जो हमारा स्टेप नंबर फोर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कभी भी जो अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर या जो भी आपके लैपटॉप पर या आप मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपने कभी भी चार्जिंग लगा कर वॉइस ओवर नहीं करनी, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, इससे आपका लैपटॉप भी स्लो होता है या मोबाइल आप जिस पर भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका वो भी स्लो होता है, और पीछे करंट की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही अजीब लगती है, आप इसको जितना भी क्लीन करें वो थोड़ी सी आएगी ज़रूर। तो दोस्तों, आपने मेरी ये बात याद रखनी है, आपने कभी भी चार्जिंग से लगा के इसको यूज़ नहीं करना, जिससे कि आपके पीछे जो नॉइस है जो करंट की आवाज़ है वो बहुत ही क्लियर से आएगी, जो भी आपकी वीडियो को देख रहा है वो आपकी वीडियो थोड़ी सी देखेगा शुरू से और वह भाग जाएगा, जिससे कि आपका रेटिंग कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।